पाँच साल में राज्य का कितना हुआ विकास? क्या शहर की जनता सरकार से खुश है या है उदास? अपने वादों पर क्या खरी उतरी है सरकार, या फिर जनता करेगी अब पलटवार? निष्पक्ष होकर रखिए अपनी बात। एसटीएन है आपके साथ। आगामी चुनाव पर जल्दी देखिए एसटीएन चर्चा लाइव रेडियंट लाइव के चैनल नंबर 111 पर और पुनर्प्रसारण एसटीएन टुडे के चैनल नंबर 251 पर। मैं हूं डॉक्टर नशरा खान चौधरी और आप देख रहे हैं एसटीएन की बहुत ही खास पेशकश एसटीएन चर्चा लाइव। कल लोकतंत्र का महापर्व हमने बनाया, यानी कि वोट हमने डाला, और अगर देखा जाए ओवरऑल परसेंटेज अगर देखें तो करीब 74% मतदान हुआ है। लेकिन कुछ गांव, कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पर लोगों ने मतदान नहीं किया। खासतौर पर जोटोली गांव में तो इसका पूरा बहिष्कार किया गया। करीब 700 मतदाता वहां पर थे, वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इस चीज़ को लेकर उन्होंने इसका बहिष्कार किया। खैर, अब जब वोट डल गए हैं, इंतज़ार रहता है नतीजे आने का। 11 तारीख को नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बीच एक अजीब सी कश्मकश रहती है, कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है। और ऐसे में एक नया शब्द आता है, एग्जिट पोल। इसके जरिए हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है कि एग्जिट पोल क्या हमें बता रहा है और कौन सी सरकार बनने वाली है, किसको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो शिरकत कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर भी हम उन्हें देख सकते हैं और साथ ही साथ वो एडवोकेट भी हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में विवेक नंदवाना जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ एसटीएन के संपादक रजत खन्ना जी भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर विवेक सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एग्जिट पोल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है अगर हम किसी भी चुनाव की बात, जायज़ है? एग्जिट पोल की शुरुआत 1967 में डच और अमेरिकन से हुई है। जी जी। उस समय जो समाचार पत्र वगैरह निकलते थे तो उन्होंने ये शुरुआत करी थी कि हम भाई चुनाव के पहले इन चीज़ों की जानकारी करें कि कौन सी सरकार बनने वाली, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका व्यावसायिक रूप हो गया। हमारे हिंदुस्तान में इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, पहला संविधान में कहीं मना ही नहीं है। एग्जिट पोल वास्तव में एक व्यवसाय है और व्यवसाय को रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जी, तो यानी कि एग्जिट पोल जो होते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नई नई तरह के एग्जिट पोल, कहीं तो बढ़त किसी पार्टी को मिल रही है, कहीं बढ़त किसी को, तो एग्जैक्टली किस तरह से ये लिया जाता है और जो रुझान बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, इस पर भी हम जानना चाहेंगे। हमारे देश में 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था, उसमें सेक्शन 126A में एक प्रावधान है कि कभी भी कोई चुनाव हो, जिस जगह चुनाव हो रहे हैं वहाँ 48 घंटे पहले कोई भी प्रचार प्रसार किसी भी तरह का उसको रोक दिया जाए, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे वो मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग के अलावा सब चीज़ों को रोक दिया जाता है उसमें। इसी संबंध में इसी साल एक सुप्रीम कोर्ट के जो बीजेपी को प्रतिनिधित्व करते हैं अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने एक PIL लगाई कि भाई ये एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल टोटली मना कर दिया। उसके जो हेड कर रहे थे उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के दीपक मिश्रा जी स्वयं थे, उन्होंने कहा कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और समय समय पे इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने ये गाइडलाइन जारी करता है, तो जो निर्वाचन आयोग गाइडलाइन है उसके तहत अंतिम मत गिरने के बाद 6:30 बजे बाद एग्जिट पोल अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है, अपनी ओपिनियन बता सकता है। जी, लेकिन क्या ऐसा हुआ आपको लग रहा है, क्योंकि कल तो रात भर रात को 9 बजे तक वोटिंग चलता रहा और उससे पहले तो एग्जिट पोल आ चुका था। हाँ, ये गलत हुआ कल। एक्चुअल में जो वो निर्वाचन आयोग को आशा नहीं थी कि भाई हमारे इलेक्शन 5 बजे बाद भी रहेंगे, लेकिन इलेक्शन के संबंध में ये धारणा वो है कानून कि यदि कोई भी व्यक्ति 5 बजे से पहले उस एरिया के अंदर उस कैंपस में एंट्री कर गया तो फिर भले उसका नंबर 11 बजे आए, 8 बजे, 9 बजे, कितने बजे आए, उसको वोटिंग करानी ही पड़ेगी, जब तक कंप्लीट वोटिंग। लेकिन कानून ये है कि मत गिरने के बाद ही ये ऐसी ओपिनियन जाहिर करनी चाहिए। तो जैसे इन्होंने कब नहीं हुआ तो क्या चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता? नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा क्योंकि कोई कानून ही नहीं है ना। जब तक कोई कानून नहीं होता तो उसको रोकने का, उस पर सजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं होता। गाइडलाइन में केवल दिया जाता है कि भाई इस तरह नहीं करना चाहिए आपको, ये होता है।
74% मतदान हुआ है जी, हाँ। तो जी आपसे जानेंगे कि ज़्यादा अगर मतदान होता है तो किस तरह से उसे देखा जाए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वो फेवर में रहता है या फिर, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं तो उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि खासतौर पे ग्रामीण परिवेश की बात करें, शहरों के मुकाबले उधर ज़्यादा वोटिंग हमें देखने को मिली है, तो 74% हुआ है, तो आपके नजरिए से किस तरह से ये फायदा किस पार्टी को मिलता है? इससे कोई फर्क नहीं, इससे वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 74% तो निर्वाचन आयोग की सक्रियता से जिला निर्वाचन अधिकारी जो प्रचार प्रसार किया, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाए, जो जनता को जागरूक किया, मीडिया ने जो समय समय पर इन चीजों को बताया, इसलिए लोगों में जागरूकता आई है। 74% तो फिर भी कम है, 100% तक इसको ले जाना चाहिए, होना चाहिए था। कई जगह बहिष्कार किया गया, बिल्कुल ही वोट नहीं डालना है, तो 700 लोगों ने वोट नहीं दिया है। अगर हम बात करें झाटोली की, झाटोली गांव में जो कल हमने इस गांव को खुद मैं गया था कवर करने, वहां पर हालात इस तरह से एकदम से तब्दील हुए, जब लोगों से हमने चर्चा की कि 700 मतदाता खड़ा है सड़क पे और उनकी समझाइश हो रही है, पुलिस लगाई जा रही है, तब भी वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं हम वोट नहीं देंगे। हमने उनसे कारण जानना चाहा कि वजह क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जी। उनका विवेक जी, मतलब उस गांव की हालात ऐसी है कि मात्र 15 फीट की रोड के ऊपर, वो 3 किलोमीटर से कस्बे से जुड़ा हुआ है सुल्तानपुर से, और घुसते ही आपकी साक्षात्कार होता है गंदगी, बदबू, कीचड़, बुरे हाल, और फिर जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं वैसे वैसे लोगों की परेशानियाँ सुनते हैं, तो पता लगता है कि ना रोजगार है, ना किसान काश्तकार है, नहीं पानी आया नहीं, और सबसे बड़ी बात कि वो नाराज इसलिए हैं कि उनसे जो वायदे किए गए जी, वो पूरे नहीं, वो पूरे हुए नहीं, कोई आकर के वहाँ पर झांका नहीं, गुस्सा एकदम से उनका फूटा। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, गुस्सा वाजिब है, उनको हमने बहुत समझाने की कोशिश की, भाई आप मतदान तो करिए, मतदान से विमुख मत होइए, नोटा का बटन भी होता है। हाँ, उनको बताया कि भाई अगर आप दोनों प्रत्याशियों को नहीं चुनना चाहते आप नोटा को दबाइए, लेकिन उनको तो वो नोटा की भी जानकारी नहीं थी, उनका तो ये था कि अंदर जाएंगे तो मशीन में क्या किसी ना किसी प्रत्याशी के ऊपर उनको वो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं लगाना चाहते थे। कुल मिलाकर के कल का हालात देख करके ऐसा लगा कि हम चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी वायदे हैं, ये सब अपनी जगह पे हैं, कागजों पे है, सब कुछ है, लेकिन जमीनी धरातल पे लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। और रेख जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो 70% समुदाय जो हमारा जो है जनता, वो किसानी क्षेत्र से आती है, किसान काश्तकार है बेसिक उसका पीछे, और किसान ही सबसे ज़्यादा हम पा रहे हैं कि वो प्रभावित है, और उसका वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया इस व्यवस्था में। ऐसे में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे कि एग्जिट पोल को लेकर के आमतौर पे धारणाएं अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, सब कुछ अलग अलग होता है, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ विषय और भी है क्या? जो हमारे चुनाव को कहीं ना कहीं अब थोड़ी विसंगति की तरफ ले जाता है, या मतलब एक अजीब सा है कि उसको इस चुनाव में रखा जाए कि ना रखा जाए, वो है घोषणा पत्र। जैसे घोषणा पत्र के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टियां राजनीतिक दल कर दिया करते हैं, मगर हकीकत में हम देखते हैं, जैसे अब चुनावी चर्चा करूं हवाई अड्डे की जी, आपको क्या लगता है कि हवाई अड्डा आ जाएगा? कोटा में हवाई अड्डा आने की कोई संभावना ही नहीं है। पहली बात, हवाई अड्डे की जो कानून बने हुए हैं ना, उसके तहत कोटा का बिल्कुल उल्लंघन हो चुका है। 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी के बाद में इतना स्पेस होना चाहिए कि कभी गलती से एयरप्लेन के, हवाई जहाज के ब्रेक फेल हो गए तो 1-2 किलोमीटर तक हवाई जहाज जाके अगर जाए तो कहीं टकराए नहीं। यहाँ तो 100 फीट की दूरी पे या 100 मीटर की दूरी पे जाके बहुमंजिला इमारतें शुरू हो गई है, बड़े बड़े शोरूम बन गए, उसके बाद पूरा मार्केट है, कॉलेज है, और आगे इंस्टीट्यूट है। तो ऐसी स्थिति में जनता को समझना चाहिए कि हमें वास्तव में एक लॉलीपॉप दी जा रही है, और कोटा में कभी भी एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन के अलावा बड़ा हवाई जहाज तो आ ही नहीं सकता। जैसे कभी हमारे 4-व्हीलर के, 2-व्हीलर के अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं तो वही 50 मीटर तक चला जाता है, तो हवाई जहाज की तो स्पीड ही मतलब कई 100 किलोमीटर में होती है, अच्छी वाली होती है। अगर उसके गलती से ब्रेक फेल हो गए कभी तो अंदाज लगाइए कितना बड़ा वो उजड़ जाएगा वो। तो ऐसी स्थिति में जनता को ये मान लेना चाहिए कि कोटा में हवाई जहाज नहीं उड़ेगा भी तो वो यहाँ से नहीं, यहाँ से उड़ी नहीं, यहाँ से नहीं उड़ी नहीं सकता जी। उसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ा कारण आप ये मानते हैं कि टेक्निकल रीजन है, उसके टेक्निकल रीजन है, सही परमिशन ही नहीं देगा एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसको कभी परमिशन ही नहीं देगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो कभी परमिशन ये भी नहीं दी कि भाई आप जो 80-100 मीटर के ऊपर जो इमारतें हैं इनके ऊपर भी उनकी तरफ से रोक है, इसके बावजूद नगर निगम और UIT
परमिशन लेकर के आ रहे हैं या पता नहीं इनको कौन दे रहा है? नहीं, परमिशन नहीं दी जा रही है, सब अपने अपने जो प्रभाव हैं, अपने जो पहुंच है, उसी हिसाब से मंजिलें बना रहे हैं। गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, लेकिन अब आदमी जाए कहाँ ना। हमारे शहर में निर्माण के लिए किसी नगर निगम नगर विकास न्यास की अनुमति की बजाय पड़ोसी की अनुमति जरूरी है। अगर आपको पड़ोसी ने अनुमति दे दी है तो फिर नगर निगम या नगर विकास न्यास की अनुमति की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये व्यवहारिक क्या कानून की बात नहीं है। क्या वजह है कि जब ऐसी नौबत आती है कायदे कानून ताक पे रख दिए जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ अगर आप रसूखदार हैं, आप पहचान रखते हैं। हमारे इधर जो चलन देखने को मिलता है ज्यादातर यही होता है, अगर आप अप्रोच रखते हैं तो आप जैसा भी निर्माण करना चाहें आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर एक आम इंसान नहीं अप्रोच रखता तो उसका कार्य रोक दिया जाता है। तो ये चीज जब हम संविधान की बात करते हैं सभी के लिए इक्वल है, हर किसी के लिए अगर कानून है तो एक जैसा होना चाहिए। सही है, कानून सभी के लिए समान है, लेकिन अब जो व्यक्ति प्रभावशाली है तो उसका प्रभाव भी तो दिखेगा ना। अगर वो उसको आम आदमी से उसको कंपेयर नहीं होगा ना। यहाँ पे कानून में संविधान में ना तो आम आदमी डिफाइन किया हुआ है और ना ही वीआईपी डिफाइन किया हुआ है। ये तो हमारे द्वारा कल्चर डेवलप कर लिया गया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है, मेरा मानना ये है कि दुकानें तो केवल सामान रखने का काम आती है और दुकान रोड सामान जो भी चीज़ है वो रोड पे व्यापार होता है सारा का सारा। अब इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जनता की मजबूरी अपनी होती है, विरोध करने जाएं तो कहाँ जाएं। आप कभी किसी भी संस्थान में जाएं, आपकी वहाँ सुनवाई करने वाला नहीं है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेटर लिखे हैं, कवरिंग लेटर बन के वहाँ से आता है, जो मुख्य सचिव को आता है राजस्थान के, राजस्थान का मुख्य सचिव स्थानीय प्रशासन को भेजता है और स्थानीय प्रशासन संबंधित विभाग को भेजता है। वजह क्या है? क्या हमारा कानून इतना ज़्यादा लचीला हो गया? हमारा कानून लचीला माना जाता है, हमारा संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है, तो क्या ये यही वजह है? नहीं, इसका संविधान से अलग है, कानून अलग। संविधान तो एक तरह से मांगे गाइडलाइन है कि भाई हमें क्या अधिकार दिए, क्या कर्तव्य हैं और हमारे किन किन ऑटोनोमस बॉडी को क्या क्या पावर दी हुई हैं। तो संविधान तो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो लोकल लेवल पे तो कहीं वो होता ही नहीं है। जो ये चीज़ नगर विकास न्यास, नगर निगम और दूसरे हाउसिंग बोर्ड वगैरह है, सब अपने अपने कर्तव्यों के दृष्टि केवल एक नोटिस दे के कर लेती है। जब कोई समाज में या हमारे शहर में कोई मैसेज ही नहीं जाता है, पिछले 5 साल में शायद ही कोई एक दो बिल्डिंग बिल्कुल जमींदोज की गई हो। आप इस तरह की बिल्डिंग को जमींदोज करें तब ये सामने आए कि क्या चीज होती मतलब है। मतलब जब तक आप कठोरता से जब तक डिसीजन ही नहीं लेंगे पाएंगे, जब तक कुछ होगा नहीं। अपना कार्यकाल 3 साल का जैसे तैसे पूरा करना है, शांतिपूर्वक कार्यकाल पूरा किया और दूसरा शहर चुना जाए। अपना कार्यकाल लाने के लिए हम कई बार झूठी घोषणाएं भी कर दिया करते हैं, जैसे कि कई बार हम भ्रमित भी होते हैं, कई घोषणाएं हमें ऐसी होती हैं कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। घोषणा जैसे चुनाव की केवल 2-3 दिन पहले घोषणा हो रही, जो आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। स्मार्ट मीटर को लेकर के हमारा एक राजनीतिक दलों में काफी द्वंद्व छिड़ा पिछले एक साल से लगातार। शहर की जनता को यह कहा जा रहा है अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम हटा देंगे, वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में इस संबंध में कानून पास डिसीजन दे दिया है और हर घर में आगे पीछे स्मार्ट मीटर लग के ही रहेगा, कंप्लीट लग के ही रहेगा। बिल्कुल इसके खिलाफ किसी ने वो नहीं दिया, डिसीजन ही आ गया ना, उसके रिव्यू लगे चीज आ गई, वो तो आ चुका है, रिव्यू का भी आ गया भारत में इस तरह। हाँ बिल्कुल, जहाँ जाए स्मार्ट मीटर का ऑर्डर ही हो चुका है, वो तो हो चुका है। तो अब यानी कि ये सब बेकार की व्यर्थ बेवकूफ बना रहे लोगों को। हमारी सरकार आती है तो कोई स्मार्ट मीटर हटने वाला ही नहीं है। उनके पास केईडीएल के पास पूरा ऑर्डर रखा हुआ है, उनका एक नोटिफिकेशन रखा हुआ है स्टेट सरकार का सबका, तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट मीटर तो हटने वाला है ही नहीं। बिल्कुल मतलब लगेगा ही लगेगा। जैसे कि रजत सर का कहना है घोषणा पत्र के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि ये सवाल हमने शुरू किया था लेकिन हम दूसरे सवाल में पहुंच गए। घोषणा पत्र एक तो इतने लास्ट मोमेंट पे आता है कि हमें पढ़ने का इसको समझने का मौका ही नहीं मिलता। घोषणा पत्र में जो मंच पे जो बातें कही जाती है वो घोषणा पत्र में होती नहीं, और जो घोषणा पत्र में होती है उसका मंच से कोई वास्ता ही नहीं होता। अगर घोषणा पत्र के संबंध में अब ये आगे पीछे चीजें आने वाली है, हम लोगों के आलस क्या करते हैं हम लोग कि हम कहीं PIL में जाते नहीं है, जनहित याचिकाएं लगाते नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज आ रही तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट या जो भी सक्षम है वो इसमें गाइडलाइन जारी करेगा। देखिए चाहे वो 3 दिन पहले जारी करें या 30 दिन पहले जारी करें, आखिर कुछ वर्ग तो उसको पढ़ करके और अपना मत निर्धारित करता है कि नहीं, नहीं, अगर समय पे जारी कर दिया जाए ना तो उसका विरोध हो जाए, उस पर चर्चा हो, उसको लीगल डॉक्यूमेंट जब तक नहीं बनाया इसको एक तरह से एग्रीमेंट का रूप दिया जाए। हाँ, इसको एग्रीमेंट का रूप दिया जाए और फिर एग्रीमेंट के रूप में अगर उसकी पालना नहीं करे संबंधित वो पार्टी तो उसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति को प्रभावित व्यक्ति को उसके खिलाफ जाने का अधिकार रहना चाहिए।
ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए। आपका आप सहमत हैं कि मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि एक तरीके से भ्रमपूर्ण स्थिति मैंने कई बार लिखा भी है समाचार पत्रों में। लालच दिया जाता है लोगों को कि हमें वोट दो, वोट देने के लिए एक तरह से उन्हें टॉफी दी जा रही है कि हम ये सारी चीजें आपको मिलेगी, इतना बड़ा हैम्पर वो लेकर आ जाते हैं घोषणा पत्र का कि देखकर लगता है कि वाकई ये सब कुछ सही कह रहे हैं। एक तरह से लॉलीपॉप है, लालच दिया जाता है। और हमारे मतदाता, हमारे यहाँ भी एक एजुकेशन जो स्तर है ना बहुत नीचे है, तो इसलिए समझ नहीं पाते हैं। उनका एक मुखिया होता है, मुखिया जो ऑर्डर कर देता है, जो फरमान जारी कर देता है, हम उस सबसे उससे वो लोग बंधे हुए होते हैं। ये अगर बात कर ले ईवीएम मशीन की, क्योंकि अगर सबसे प्रभावशाली सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जैसी जगह में इसे मना कर दिया गया है, बैलेट पेपर से ही वहाँ पर वोटिंग हो रही है, तो कुछ वजह तो होगी क्या? जैसे कि सुनने में आता है इसे हैक कर लिया जाता है, इस पर जाना चाहेंगे कि ऐसा अमूमन ऐसा होता नहीं, ऐसा अमूमन होता नहीं है, और जब तक इस बात को प्रूव नहीं कर दिया जाना है तो लेकिन कुछ इस तरह के वीडियोस भी देखने को मिले हैं, तो कितनी सच्चाई नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या कोई चीज होती है। इस बार तो और डेवलप किया गया, वीवीपीटी और लगाया गया उसके साथ, तो उसमें आपको शो भी हो रहा था कि आपने जिसको दिया उसको जा रहा है नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं। अगर रजत सर हम देखें कि अभी कल ही वोट डाले गए, कुछ मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, वो टेक्निकल रीजन हो जाते हैं, बिल्कुल सही। जैसे उसकी वजह क्या है कि मैं खुद वोट देने जब गया सुबह, हम लोग निकले 8 बजे, तो मुझे वोट देने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। सुबह के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आई और कई जगह खराब भी हुई, और 12 में तो एक ईवीएम बाहर सड़क पे भी मिली है। कुछ ऐसे बहुत बड़े उसमें नहीं हुआ है, रेयर ऑफ रेयर केस हो जाते हैं। हालांकि राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए इसको स्लो कर दिया गया है, कर्मचारियों पर आरोप आता है कि उन्होंने स्लो कर दिया है। अब मैं जिस मतदान केंद्र पर वोट दे के आया उसमें लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं थी, और संयोग से जो 3-4 कर्मचारी लगाए वो मतलब थोड़े बुजुर्ग थे, उनको कागज पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, जो पर्चियां निर्वाचन। अब ये मामला बहुत तकनीकी है, इसको सुधारा जा सकता है, इसको फास्ट बनाया जा सकता है। इसमें अगर आप अपनी कंप्लेंट, जब भी कोई कंप्लेंट हो ना, हम लोगों की आदत क्या है, कंप्लेंट होती तो अपनी कंप्लेंट को संबंधित विभाग तक पहुंचाते हैं, अगर इस तरह की कंप्लेंट है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को की जाए और स्टेट लेवल के निर्वाचन अधिकारी आयोग को की जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इसकी लेटर लिखा जाए। निर्वाचन विभाग की एक तारीफ करेंगे यहाँ पर हम, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई मतलब कसर पूरा प्रयास किया, अच्छा किया, काफी सफल रहा है, शांति तक पहुंचे, मतलब पहले की बजाय काफी अच्छी, काफी रहा है। एक और चीज सामने आई, जैसे कि कुछ लोग अगर वोट डालने गए हैं तो पता लगा कि उनकी जगह कोई और वोट डाल गया। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो कई जगहों पे ऐसा रेयर केस, चलो मैं चाहे रेयर केस में होता है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो अभिकर्ता होता है वो लोकल होता है, तो वो भी उसको पहचानता है, और जितनी पार्टी होती है सबके अभिकर्ताओं को बिठाने का वहाँ पे अधिकार है, तो बावजूद इसके कोई कह रहा है तो फिर वो अभिकर्ता वहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहा है? कुछ घटनाएं आई, जाने अनजाने ऐसी आपको जानकारी होगी कि भाई जैसे मान लीजिए मेरा कोई वोट डाल गया तो मैं टेंडर वोट डाल सकता हूँ। उसके लिए टाइम तय किया गया था कि 4:30 बजे बाद या 5:30 बजे बाद आप इस बारे में आपत्ति करेंगे, फिर आपका टेंडर ले लिया जाएगा। अब मैं अपनी समझ के लिए जानना चाह रहा हूँ कि टेंडर वोट की लीगलिटी क्या, मतलब उसको मतलब क्या गिना जाता है? गिना जाएगा उसको, जांच के बाद गिना जाएगा उसको, गिना जाएगा जी। अच्छा, हम एक सारे चुनावी माहौल के अंदर, आप पिछले मान लीजिए 2 या 3 चुनाव से एक शब्द हमारे बीच में बहुत आया है जो राजनीति में बड़ा ही विसंगति भरा है मेरे हिसाब से, अब राजनीतिक दलों के लिए शायद वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, जिताऊ उम्मीदवार। आपने भी सुना होगा अक्सर बड़े बड़े नेता ये बयान देते हुए शर्माते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है कि उनको क्या चाहिए, कि उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, उनको समझदार उम्मीदवार नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत ऐसा रिलायबल पर्सन नहीं चाहिए जिसकी समाज के अंदर काफी पैठ है, उसको विचारवान व्यक्ति नहीं चाहिए। अब ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कैसे, मतलब ये इसका मूल्य कैसे तय होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिताऊ उम्मीदवार पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, उनको सत्ता में आना होता है, और बगैर सत्ता में आए उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो जिताऊ उम्मीदवार लाते हैं, चाहे वो दल बदल के आए, चाहे जातिगत के आधार पर आए, चाहे वो कहीं बाहर का भी ला के यहाँ ला के पटका जाए उसको, वो एक अलग बात है, लेकिन स्थानीय जनता को ये समझना चाहिए कि हमें क्या सोचना है, हमारे अधिकार क्या हैं। हमारे देश की दुर्भाग्य ये है कि हम पार्षद के चुनाव से लेकर सांसद तक का चुनाव नाली पटान के आधार पर लड़के खत्म कर देते हैं। एक जो आजकल देखा जाता है स्टार प्रचारक, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आके प्रचार करते हैं, निर्वाचन आयोग 40 लोगों की
की प्रत्येक पार्टी से एक स्टेट में 40 लोगों की लिस्ट मांगता है। अब इनके पास निर्वाचन होते नहीं है, तो फिर इनको लगता है कि कौन आदमी कौन सेलिब्रिटी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, इसलिए 40 लोगों की लिस्ट जो मन में आता नाम उस तरह पहुंचा देते हैं। और वास्तव में पूरे 40 हमारे यहाँ आए भी नहीं है। जो लिस्ट राजस्थान की गई है दोनों पार्टियों की, पूरे 40 आए भी नहीं है, और उन कई तो अपने खुद के लिए भी भाषण नहीं दे पाए, ये स्थिति रही है। तो प्रत्येक मतलब स्टेट में प्रत्येक पार्टी को अपने 40-40 स्टार प्रचारक की एक लिस्ट देनी होती है। अब इनको क्या लगता है कि 40 ही दें पूरे, जबकि जरूरी नहीं 40 दें, पर उनको होता है मैक्सिमम 40 कर सकते हैं। विवेक जी, उनके प्रश्न में एक बात और भी छिप रही है जी, जी, वो ये है कि आप फिल्मी हस्तियों को ला करके चुनाव प्रचार करवा रहे हैं जी, जी, जबकि ये जनता का चुनाव है जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की बात में वो दम नहीं है, या इनके चेहरों में वो नहीं है, बात चमक नहीं रह गई है कि इनके कहने से भीड़ आ जाए, या भीड़ इकट्ठी करने का जो शौक है ना वो वास्तव में बहुत खराब है। आज तक ये जनता में खुद को अब जागरूक होना पड़ेगा कि एक इतिहास, हम लोग क्या करते हैं कि इतिहास नहीं देखते कि किन फिल्मी हीरो हीरोइन ने एक्ट्रेस ने अपने चुनाव लड़े, चाहे वो कहीं से भी लड़े हों, चाहे हमारे राजस्थान बीकानेर से लड़ा हो, चाहे मथुरा से लड़ा हो, या जहाँ कहीं से लड़े हों, उन वहाँ से ये जानकारी आए कि वास्तव में अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के बाद रुके कितने दिन हैं और वहाँ की समस्याओं के लिए क्या किया है। आज हम टीवी में बहुत सारे ये चैनल वगैरह चलते हैं, उसमें हम देखते रहते हैं कि वहाँ तो निर्वाचन, वहाँ तो बैठ नहीं रहे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ से जीते हैं, और यहाँ पे कहीं जज बन के बैठे हुए हैं और कहीं पे कुछ अपने रोल अदा कर रहे हैं। तो उनकी अपनी वो चीज़, क्योंकि उनका मेन काम, आज मेरा काम मेन काम वकालत है, तो मेरा 100% मुझे वकालत देना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें मैं पार्ट। तो ये देखना चाहिए कि जो फुल टाइम राजनीति कर रहा है, जो राजनीति के ऊपर ही पूरी तरह आश्रित है, वो आदमी वास्तव में कुछ काम कर सकेगा। और जो आदमी शो के तौर पर आ रहा है तो जीत सीट निकालने का गिनती बढ़ाने गिनती बढ़ा जी जी, बस इतना सा उसका वो टारगेट होता है। लेकिन वहाँ पर वही जो आम जनता है उसके मुद्दे वही रह जाते हैं, उसके विकास के लिए जो इसका इंतजार उसको रहता है कि हमारे शहर का विकास होगा, लेकिन अब दिल्ली बैठ के हम चाहें कि हमारे शहर का कोई विकास नहीं, विकास इसलिए भी नहीं हो सकता। कारण क्या है कि वहाँ से जो व्यक्ति होता है वो अपने यहाँ पे 2-3 अधिक उनको प्रतिनिधित्व टाइप के व्यक्तियों को नियुक्त कर जाता है अलग अलग मोहल्ले में, पहला तो उन व्यक्तियों की हिटलरशिप शुरू हो जाती है और वही उसकी हार का अगले साल कारण बनता, अगले चुनाव में। बिल्कुल, आज हार नेता नहीं हारता, नेता जिन लोगों से घिरा हुआ है ना उसकी हार का मुख्य कारण बनते हैं। चलिए, तो अब हम अपनी आसपास के क्षेत्र की बात कर लें, कोटा की हम बात कर लें, मुकाबला काफी पेचीदा रहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी पार्टी हैं जो कि काफी वोट खींच के ले जाने तक की बात आ रही है, तो आप इन चारों सीट को आपकी नजर से, और खास सांगोद और पीपलदा की बात करें, आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मुद्दा विहीन चुनाव है बिल्कुल, इसके अंदर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे वो कहीं सही हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, और ये बहुत दुखदायी स्थिति है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, संवेदनशील व्यक्ति हूँ मैं, कि आप मुद्दों से भटका करके आप पैकेट्स में बांट देते हैं जाति में, आप पैकेट्स में बांट देते हैं धर्म में, आपने मतलब आप अपने विकास को आधार नहीं बना रहे हैं कहीं ना कहीं। और अधिकांश सीटों पर मैंने यही देखा है, विकास की बात नहीं है वहां पर, आप तुलनात्मक ये अध्ययन कर रहे हैं कि इस जाति का व्यक्ति अगर मेरा फॉलोवर बन जाए या मेरे खेमे में आ जाए तो इसके साथ साथ इसका जो वोट बैंक है वो भी आ जाएगा। आप अपना कराया हुआ विकास भी कई बार भूल जाते हैं कि भाई मैं जब पिछले 5 साल पहले जब यहाँ पे था या उससे पहले था तो मैंने जो विकास करवाया वो तक आप जनता के सामने नहीं ला पाते, बल्कि उल्टा हो रहा है। अरे हम तो आपको कह रहे हैं आप तारीफ के काबिल हैं कि आपने ये विकास दिया है, इसको आप मुद्दा बनाइए, लेकिन वहां पे नेता मतलब इतने भ्रमित हो चुके, डर चुके हैं कि ये विकास से इनको वोट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे मुद्दों की तरफ भटकते हैं। ये ऐसा इसी चुनाव में नहीं, पिछले काफी लंबे इस चुनाव में एक आशा थी आज के 3 महीने पहले कि किसान एक मुद्दा बनेगा, नहीं बना सर, दुर्भाग्य मतलब आशा थी हमें कि इस बार चुनाव जो किसान ही होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि किसान की तो कहीं मतलब वो आई नहीं, जिक्र नहीं हुआ, और कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊं कल की स्थिति, हम अंता गए, अंता बीच बाजार के अंदर सड़क पे हमने लोगों से जब बातचीत शुरू करी तो वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी से रिलेटेड कार्यकर्ता भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, मिक्सअप होते हैं जी हाँ। विवेक जी, 2-3 लोगों ने
कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के फेवर में बात की और स्वाभाविक रूप से उनके नेता है तो वो बात करेंगे, तो उन्होंने वैसे ही उनसे पूछ लिया कि भाई समर्थन मूल्य पे खरीद आपकी हुई इस बार अभी जो चल ही रहा है सीजन जी, तो उनका ये कहना था कि हाँ हुई। वहीं पर अचानक उस भीड़ में से तीन चार किसान निकल करके जोर जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं हुई, कि हमारा दिल जानता है कि 20% भी खरीद समर्थन मूल्य पे नहीं। मगर अगर आप उस विधानसभा में घूम करके देखेंगे तो पक्ष और विपक्ष के पास में किसान नहीं है, जबकि 70% जो है जनता उसी क्षेत्र से आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि चुनावी घोषणाओं का या इसके अंदर बेसिक जो लोग हैं जिनकी परेशानियां हैं वो कितना उसमें रह गया है। बाकी तो अब सब कुल मिलाकर के ये है कि बस अपने जाति के और वो दूसरे गणित दबाव बना के टिकट ले आना, सब चल रहे हैं, बहुत सारे आधार हैं टिकट देने के भी, पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, विरोध के कई सामना करना पड़ता है। लेकिन लेकिन अपन इसको पार्टी की मजबूरी जिस दिन ये तब्दील हो जाएगी कि भाई प्रत्याशी की ये मजबूरी हो कि वो विकास गिनाए, इसके लिए हमें क्या मतलब कहाँ पर जाना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, हम प्रतियोगिता में अपने प्रतियोगी को उठाने की कोशिश नहीं करते, हमारा प्रतियोगी जितना गिरता है ना हम भी उतना ही गिरने की कोशिश करते कोशिश हो रही है। वास्तव में होना ही चाहिए कि हम एक स्तर मेंटेन करें और हमारे प्रतियोगी को बाध्य करें कि तू भी हमारे स्तर तक आ, जबकि हमारा प्रतियोगी जो जितना गिरता है हम मजबूरी में उसके कंपटीशन में उतना ही नीचे से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन चुनावों में दोनों ही पार्टियों के, मैं किसी उसका नहीं आया तो किसी भी पार्टी ने मतलब ये नहीं कहा हम ये करेंगे, एक ने आगे कोई बात कही तो दूसरे ने उस पर कटाक्ष किया, व्यंग कसा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार प्रचार प्रसार इसमें इसमें आप मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मीडिया सुबह से चालू करो टीवी चैनल तो वो माँ गोत्र जाति पिताजी इनके ऊपर सबको लगा हुआ है। मीडिया की मजबूरी है, जो जनता देखना चाहती है, जो पाठक पढ़ना चाहता है, जो श्रोता सुनना चाहता है, उन्हें अपनी TRP उन्हें अपने पाठक वर्ग बढ़ाने के लिए उनको वही चीज़ देनी पड़ेगी सुनना चाहेगा। आज की तारीख में इस समय वर्तमान समय में जो साहित्यिक किताबें किसी ज़माने में आती थी वो लगभग सब बंद सी हो गई हैं, या कोई अनुदान पे थोड़ी बहुत दो चार महीने में एक बार निकल जाता अलग है। आज जो जनता सुनना चाहती है, जो पाठक देखना पढ़ना चाहता है, जो श्रोता सुनना चाहता है और जो प्रतिक्रिया देना चाहता है, जो चीज़ आ रही है उस पर हम मतलब व्यवसाय का आ गया ना, जैसे आपके दिमाग में व्यवसाय आएगा, आपके मन में लाभ आएगा, आप अपने आप एक निष्पक्षता को त्याग देंगे, सिद्धांतों से आपको समझौता करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने मन में स्वार्थ नहीं लाएंगे, जैसे लाभ देखना शुरू किया आपने, आपने लाभ देखना शुरू किया और आपके मन में से अपने सारी जो संयम है, एक कंट्रोल है, एक सिद्धांतवादिता है, वो सब चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो मुद्दे हैं हम देखें कि ये समस्या एक दिन की समस्या नहीं होती, हर रोज़ वही परेशानी रहती है, लेकिन क्या वजह है जब चुनाव आता है तभी स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं, जातिगत राजनीति शुरू हो जाती है, तो क्या मतदाताओं को लुभाने के लिए रिझाने के लिए इस तरह की टिप्पणी की जाती है कि पर्टिकुलर इस पार्टी को वोट अगर इस तरह का हम अगर बयान देते हैं तो वोटर खींच कर आ जाएगा, आप किस नजरिए से देखते? होता क्या है हमारे यहाँ पे जो भी पार्टी विपक्ष में है या विपक्ष में आएगी या विपक्ष में रहती है वो 4 साल तक बिल्कुल मौन व्रत रख के रहती है, जब 4th साल 5वां साल शुरू हो जाता है फिर उनके मन में थोड़ी सी कंपन हरकत शुरू होने लगती है, फिर वो उन चीज़ों को ढूंढते हैं टाइम टाइम पे, जो 4 साल तक उन्होंने जो नेगेटिव बातें कही, जो नेगेटिव वर्क किया, जो विकास का कार्य नहीं किया, उस समय अगर विपक्षी पार्टियां समय पर इन चीज़ों को जागरूक रखती रहे तो जनता के दिमाग में चीज़ें अच्छी तरह बैठ जाती है। अब जनता को एकदम लास्ट मोमेंट पे 8 दिन पहले 15 दिन पहले आप एकदम तो अदर झूल की स्थिति में डाल देते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता है उम्मीदवार कौन है, कल दूसरी पार्टी में था आज हमारी पार्टी में आ गया है, अब हमें क्या करना है, फिर वो अपने जो उनके सलाहकार होते हैं जिनको भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब की बात मान, क्योंकि लास्ट में उनको जाना तो भाई साहब के पास ही पड़ता है, तो भाई साहब की बात मान के फिर वहीं वोट देते हैं जहाँ भाई साहब उनको आदेश करते हैं, ये उनकी अपनी मजबूरी। देख जी, हमारे पास में एक इतनी विरासत है, एक कोटा के पास में चंबल नदी के तौर पर बहुत ही उसका ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व भी बनता है उसका कहीं जा करके। आपको लगता नहीं कि ये डाउन स्ट्रीम जो हमारा जो नाला बह रहा है, ये कभी किसी चुनाव के अंदर आपने इसको मुद्दे के रूप में देखा कि भाई इस नाले के जो नदी का जो हम नाले का रूप बना दिया है, 80 बड़े नाले उसमें गिर रहे हैं, मल गिर रहा है, गंदगी गिर रही है, ये कभी चुनाव का हमारे मेन स्ट्रीम का वो मुद्दा नहीं बना,
इसके पीछे क्या मतलब कि ये आवश्यकता नहीं समझते? नहीं, आवश्यकता मैंने आपको आते निवेदन किया कि हमारे यहाँ पे पार्षद से लेके सांसद तक के चुनाव नाली पटान से शुरू होते हैं, नाली पटान पे ही खत्म हो जाते हैं। चंबल नदी में कुल 12 नाले गिर रहे हैं, इसमें बड़े प्रोजेक्ट भी आए हुए हैं, करोड़ों का बजट भी पारित किया हुआ है, लेकिन आज तक शुद्धिकरण का एक प्रयास ही नहीं हुआ। दूसरा, स्थानीय मीडिया भी इन मुद्दों को उठाता है, ऐसा नहीं नहीं उठाता, सब तरह के उठाए जाते हैं, लेकिन जब जो माहौल होता है उनकी अपनी मजबूरी हो जाती है, ऊपर से उनकी भी गाइडलाइन आती है, तो उस हिसाब से उनको छापना पड़ता है, उनको उसको अपने प्रसार संख्या बढ़ानी, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। तो मुद्दे तो उठाए जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों के लिए हमें हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर एक लोकल लेवल पे कुछ कमेटियां बनानी पड़ेंगी, कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा जिनको जनता को जागरूक करना पड़ेगा। और एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ है वो काफ़ी कमज़ोर है, आदमी पढ़ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, और कम से कम जो युवा पीढ़ी है ये तो प्रिंट मीडिया से बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई है, इसलिए कईयों के तो जो बच्चे हैं उनके घरों में अखबार भी नहीं खुलते, उनकी घड़ी भी नहीं खुलती है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ों को जब जब समझ आती बहुत लेट हो जाते हैं, और एंड टाइम पे फिर 5 साल अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा हमारे पास होता नहीं। अगर गांव की हम बात करें ना, तो वहाँ पर इतना एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का इतना अब तक ऐसा नहीं है कि गांव के हर, अगर हम कहें कि इतने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, तो चुनाव पर इसका कुछ असर रहता है कि एक पढ़ा लिखा जो नागरिक है वो किस तरह से सोच समझकर वोट देता है, और एक जो दूसरा हम देखें कि अशिक्षित है खासतौर पे, तो उसके पास कुछ जरिया नहीं रहता है, जो भी उसके पास चला गया उसको लोक लुभावन वादे उससे कर लिए तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है या उसकी बातों में आ जाता है। तो ऐसे में शिक्षित और अशिक्षित के तौर पर हम देखें उसके लिए गाँव की सरकार सरपंच होती है जी, जो सरपंच होता है उस व्यक्ति आम आदमी गाँव जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है उसकी अप्रोच केवल सरपंच तक होती है, तो उसे सरपंच के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि उसकी कभी भी कहीं थाने में काम पड़ता है तो सरपंच साहब के पास जाना है, किसी विभाग में काम पड़ रहा है तो सरपंच साहब के पास जाना है, तो सरपंच साहब जो कहेंगे ना वही मानेगा, और वहाँ भी दो गुट बच जाते हैं। अभी जैसे सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, बाद में आएंगे, तो उसमें दो गुट बन जाए, एक तो जीतेगा उसका गुट और एक हारेगा उसका गुट, तो वहाँ ये सब चीज़ आम है। तो ग्रामीण के पढ़ाई नहीं है ये तो दुर्भाग्य है ही से उसका, लेकिन उसके लिए ये सरपंच दोषी है। कोई भी व्यक्ति आज हमारे किसी भी चीज को ले, साउथ में हिंदी को बढ़ावा क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको डराया गया कि अगर आप हिंदी सीख जाएंगे, ये कोई चीजें, ये बच्चे हिंदी सीख जाएंगे यहाँ के, तो वो नॉर्थ इंडियन यहाँ आ जाएंगे और अपना राज करेंगे वगैरह, तो उनको इस तरह दहशत पैदा की गई, इस तरह समझाया गया कि हिंदी से तो तुम्हें कोसों दूर रहना है। तो जब आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको पुराने जमाने का छोटा सा वो मिथक बताता हूँ कि पहले कोई भी बड़ा मतलब राक्षस हो, योगी हो, देवता कोई भी हो, जंगल में जाके एक टांग पे अगर तपस्या करने बैठ जाता था तो राजा इंद्र की कुर्सी हिलने लग जाती थी, उसके मन में भय, एक डर पैदा हो जाता था, और सीधा भाग के भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा के पास जाता था कि भगवान ये क्या हो गया, सन्यासी ये पूजा पाठ क्यों करने लगे, मेरी कुर्सी तो नहीं ले रहा। तो जो आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ उसको हमेशा भय सताता है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, इस चक्कर में वो खुद भी इन लोगों को इतना जागरूक नहीं करना चाहता, क्योंकि जिन लोगों ने नेता, उन बड़े नेताओं से पूछिए कि जिन नेताओं को उन्होंने पनपाया, उनको पोषित किया, आज वही उनकी जगह टिकट मांग रहे हैं, तो अब वो अपने दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहते। नई सरकार बनने जा रही है जी जी, और कोटा को आप भी बहुत बारीकी से देखते हैं, आपके हिसाब से हमारी प्राथमिकता क्या है जहाँ से वो नई सरकार हमारे लिए कुछ शुरुआत करे, आप मुख्य समस्याओं को मैं किस तरह से, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? भाई एक तो यहाँ पे सबसे पहले चीज स्वास्थ्य की है। आप कभी भी विदेश में जाएंगे, अभी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को, आज ही मैंने पढ़ा था अखबार में, केवल इसलिए पासपोर्ट नहीं दिया कि ये बीमार व्यक्ति है और हम इसकी बीमारी का खर्चा वगैरह नहीं उठा सकते, इसलिए हम बीमार व्यक्ति को अपने यहाँ पासपोर्ट मतलब वीज़ा नहीं देंगे, हमारे हमारे देश में आने की अनुमति नहीं है। और हमारे यहाँ पे आप ये देखिएगा, सर्दी जुकाम है तब भी MBS हॉस्पिटल जा रहा है, न्यू मेडिकल कॉलेज जा रहा है, और बड़ी गंभीर बीमारी तब भी मेडिकल कॉलेज ही जा रहा है। तो हमें अपनी डिस्पेंसरियों को, लोग जो मोहल्ले में छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, इनको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, इसमें योग्य अनुभवी चिकित्सक लगाने पड़ेंगे और इनमें अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि आदमी यहाँ कॉन्फिडेंस से जाए, हर छोटी बड़ी छोटी छोटी बीमारी, जुकाम जैसी बीमारी के लिए प्रोफेसर के पास जा रहा है, प्रोफेसर के पास जा रहा है, जुकाम जैसी छोटी सी बीमारी के लिए, और उसी वजह से लाइनें बड़ी हुई हैं वहाँ पे। तो इसलिए जैसे अस्पताल होते हैं वैसे हर मोहल्ले में, हर जगह डिस्पेंसरी तो कम से कम अपग्रेड होनी चाहिए, ताकि पहला तो ये ना भार नहीं पड़ेगा उधर बड़े अस्पतालों की ओर, कम हो जाएगा, मतलब ये लोग रेफर करें तो पेशेंट वहाँ जाए, ये चीज करनी चाहिए पहली। तो अगर वहाँ से रेफर नहीं, तो फिर उनको थोड़ा सा उसको जी
देखना चाहिए, पहले आप डिस्पेंसरी जाएं फिर यहाँ आइएगा। तो पहला तो ये अंतर आ, क्योंकि एक प्रोफेसर जुकाम वाली बीमारी को देख रहा है तो फिर वो बड़ी बीमारियों को तो क्या करेगा फिर वो। तो एक तो ये ऐसे एजुकेशन में स्थिति है, एजुकेशन में छोटे छोटे सी मतलब जहाँ बच्चों के आज की तारीख में छोटी छोटी सी कॉलोनियों में चार चार कमरों में स्कूल चल रहे हैं, स्पोर्ट्स नाम की चीज क्या है वो बच्चे समझते ही खेल मैदान खत्म हो गए, खत्म ही हो गए। तो आज हमारा बच्चा कार्टून देख देख के कार्टून बन चुका है, वो दिन भर कार्टून की चिपका रहता है, अब वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, बाहर रोड पे कारें खड़ी हुई हैं, अब खेलने आता है तो कहते हैं भैया कांच नहीं टूटना चाहिए, तो माँ बाप भी डरते हैं, वो भी बच्चों को भैया अंदर ही खेल ले मत खेल, तो आज बच्चा खेलने कहाँ जाएगा। तो स्पोर्ट्स की बच्चों के मतलब हमें हर बच्चों के लिए सोचना है, हमें युवाओं के लिए सोचना है, हमें बुजुर्गों के लिए सोचना है, हमें महिलाओं के लिए सोचना है, हमें प्रोफेशनल्स के लिए सोचना है, सभी लोगों के लिए हमें सोचना जरूरी हो रहा है। रोजगार को लेकर के आपका क्या मानस, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि रोजगार तुरंत सृजित हो? एक कोई अब आप कहें कि कोई बड़ी फैक्ट्री अचानक आ जाए तो उसमें तो लगते हुए टाइम लगता है जी, जी, लेकिन हमारी हालत बहुत दिनों दिन खराब होती जा रही है रोजगार को लेकर के जी, जी, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, हाथों में मोबाइल ले लेकर सुबह से लेकर रात तक का जिंदगी अपनी तबाह करने पर लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र तत्काल रूप से विकसित करे राज्य सरकार आने वाली, ताकि कुछ ध्यान मतलब युवाओं को रोजगार मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये मोबाइल जो है ना, इसने बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होता, 1.5-2 GB जो रोज फ्री दे रहे हैं, फ्री हो रहा है ना, फ्री हो रहा है, इससे आदमी को बेरोजगारी का तो एहसास ही नहीं हो रहा कि बेरोजगार कम से कम व्यस्त तो है वो 2-4 घंटे के लिए। पहली बात, हमारे यहाँ पे टारगेट तय नहीं किए जाते, गोल सेट नहीं किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे आज बीए पास व्यक्ति से पूछ लो कि आप क्या करना चाहते हो तो बताने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, व्यक्ति आते हैं, इनके मिलने वालों के आते हैं कि साहब रोजगार लगा दो, मैं उनसे पूछता हूँ क्या करोगे बताओ, सब कुछ भी कर लेंगे। तो मैं बोलता हूँ चलो ड्राइवर बन जाओ, फिर संकोच करने लगते हैं, चलो मेरे यहाँ गार्ड बन जाओ, फिर संकोच करने लगते हैं। तो आपने अभी तक तो अपने टारगेट तय नहीं किए कि इसमें सरकार का तो रोल होता ही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी रोल है, वो बच्चों को पहले दिन से हमारे यहाँ पे 16 साल तक तो बच्चा खेलना नहीं सीखता, जबकि चाइना जापान में 16 साल का बच्चा तो गोल्ड मेडल लेके घर आ जाता है, गोल्ड मेडल लेकर के। तो ऐसी स्थिति में जो तकनीकी ज्ञान है ना उसको विस्तारित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ITI कॉलेज तो खोले जा रहे हैं लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में खोले जा रहे हैं, वो तो प्राइवेट वालों का ज़्यादा भला होता है, ज़्यादा स्किल इंडिया की। जब भी रोजगार की हम बात करते हैं, एक पार्टी की तरफ से यही सुनने को मिलता है स्किल इंडिया को हमने बढ़ावा दिया है जी, हाँ। तो हमारे शहर की हम बात कर लें, काफी बेरोजगार युवा हैं, हमने कई चर्चाएं भी की, इसमें युवाओं को भी शामिल किया, उनके नाम पर किसी तरह के जिस तरह से बोला जाता है कि हमने लोन दिया है या ये सब, हकीकती तौर पर हम देखें तो ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। स्किल इंडिया पे आप क्या कहेंगे? स्किल इंडिया से देखो रोजगार पे तो फर्क पड़ा है, रोजगार मिला भी है और छोटे छोटे रोजगार डेवलप भी हुए हैं, लेकिन बात वही आती है ना कि जो भाई साहब को जानता है और भाई साहब जिसको बैंक में सिफारिश करेंगे उसी को लोन मिलेगा। तो पहले तो हमें अपना कोई भाई साहब बनाना पड़ेगा, फिर हमें उन चीजों में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव अभी हमने अपना पर्व तो मना लिया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव कुछ समय बाद आएंगे तो उनका कितना असर इस पे? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव हमेशा सेंट्रल के हिसाब से देखा जाता है, पूरे प्रधानमंत्री का पद किस व्यक्ति के बारे उसको देखा नहीं, लेकिन देखा जाए तो इतना बड़ा चुनाव ये रहा है, यहाँ की प्रधानमंत्री तक को आकर यहाँ पर सभा करनी पड़ रही है, राहुल गांधी आके सभा कर रहे हैं, तो बहुत महत्व तो ये रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट वहां पर करने वाला है। उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, प्रांतीय लेवल पे लड़े जाने वाले चुनाव में इस मतलब जो हमारे लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है बिल्कुल एकदम अलग है जी। और इससे एक दूसरे चुनाव को यहाँ पे सरकार अगर एक पार्टी की बन जाए जिसकी उसकी चल जाए दूसरी आ जाए, इससे लोकसभा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा के लिए लोगों ने अभी से व्यक्त कर दिया है कि हम फलां व्यक्ति को तैयार करेंगे, अभी से व्यक्त कर दिया अपने मन, यहाँ पे एक अलग चीज है और दोनों पार्टियों को अपने अपने मुखिया के बारे में विचार करना चाहिए और मुखियाओं के बारे में उनको भी इन बातों से अवगत करवाना चाहिए। आप अदालत से आते हैं जी, दिन भर आपका सुबह से लेकर के शाम तक अदालत में बीतती जी, है जी। हम भी कई बार जाते हैं और कई सालों से देखते आ रहे हैं कि आपकी अदालतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 65 हो गई है, टोटल 65 हो गई है, वकीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आपके मुवक्किल भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या कहाँ पे विफलता रह गई या कहाँ पे ऐसी कमी रह गई कि आप अपनी अदालतों का विस्तार बिल्डिंग और उसके ढांचे के रूप में आप उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं? कहाँ कमी रह गई? कई चीजें हैं। देखिए जो अभी इस समय कोटा में है 74,000 मुकदमे पेंडिंग है, 74,000 इसमें से 1/4 सिविल है, बाकी सब क्रिमिनल नेचर के मुकदमे हैं। तो कोटा का दुर्भाग्य भी कहें या सौभाग्य भी कहें कि कोटा जैसे छोटे से शहर में
तीन फैमिली कोर्ट हैं जो वास्तव में एक चिंता का विषय है। खुशी तो है भाई तीन फैमिली कोर्ट हैं, लेकिन चिंता का विषय भी कि कोटा जैसे छोटे शहर में तीन तीन फैमिली कोर्ट खुल गए, इसका मतलब क्या स्थिति आने वाली है। इस समय हमारे आवासीय कॉलोनी में, चाहे वो सिविल लाइन्स हो, चाहे वो गांवड़ी गांव हो, वो गांवड़ी मोहल्ला हो, वहाँ पे आवासीय बस्ती में जो न्यायालय खोले गए हैं, वहाँ के लोकल व्यक्तियों को इसका मतलब परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वहाँ पार्किंग की समस्या है, वहाँ पे यहाँ कोर्ट की प्रॉपर कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, वहाँ अलग आपने वहाँ अलग कर दी है। MSCT कोर्ट जहाँ पे आदमी के पैर कटे हुए हैं, आदमी बुजुर्ग है, उसको दूसरी मंजिल पे जाना पड़ रहा है बयान देने के लिए। उसको दूसरी मंजिल पे आप लेके कैसे जाएंगे, फिर भी वहाँ दूसरी मंजिल पे किराए पे लेके कोर्ट चला रहे हैं। कोर्ट में बहुमंजिला बिल्डिंग इसलिए नहीं बन सकती कि मैंने खुद ने जब मैं यहाँ था, मैंने देखा कि एक मंजिल तो नीचे जाता है, उल्टी छत बिछती है, उसके बाद बिल्डिंग खड़ी हो पाती है, क्योंकि ये रेवेन्यू एरिया है, तो इसलिए ये बहुमंजिला इमारत भी बनेगी नहीं कभी भी। अच्छा। और रही बात इधर लखावा वगैरह इधर कहीं जाने की, उसके लिए जमीनों की बात वगैरह सब चलती है, लेकिन थोड़ा बहुत वकील इसका उनकी अपनी मजबूरी होती है, हमारे वकीलों की वो विरोध करना ये आदत होती है, कोई भी काम होता तो शुरू में उसका विरोध होता है। लेकिन अब इसके लिए ये सुझाव दिया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए इधर 15 शहर के 15-20 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग एरिया में छोटी छोटी कोर्ट खोल दी जाए, ताकि वहाँ थानों के वहाँ के थाने के स्टाफ का भी टाइम बचे और इन लोगों का भी टाइम बचे, और वहाँ भी वकील नए पनपे। जब भी नई कोर्ट खुलती है तो वहाँ कुछ नए वकीलों का जन्म होता है और वकीलों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बाकी समस्याएं बहुत सारी हैं हमारे शहर की, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि नहीं उठाए जाते, जिन्हें इग्नोर किया जाता है, यानी कि नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक निजी मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि बहुत बदलाव हुआ है सर, आपसे जानेंगे पहली बार जब आपने वोट दिया था और अब जब आप वोट दे रहे हैं, आपसे भी ये सवाल मेरा रहेगा, किस तरह का अनुभव आप महसूस करते हैं, और क्या आपको याद है आपने जब वोट दिया था वो जो माहौल हुआ करता था वो किस तरह का रहा है, और अब क्या आप उसमें? अब तो बिल्कुल मशीनरी माहौल हो गया, बिल्कुल मशीनरी माहौल हो गया है। पहले जो वोट था, एक तो वो लगा के दिया था, टप्पा लगा के जो आता है क्रॉस करके स्वास्तिक टाइप का ऐसा बना हुआ था, उससे दिया था, बड़ा पेपर टाइप का पकड़ाया था और उसको उसमें डब्बे में या पीपे में जाके उसको रखा गया था। अब स्थितियां बदल गई, अब तो गए तो एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ जब कि बटन दब, मतलब वोट हो भी गया नहीं हो गया जी। ये आपसे जानना चाहेंगे रजिस्टर, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं वो भी शायद जानने के लिए उत्सुक होंगे कि किस तरह से जो अभी जो युवा है जिन्होंने वोट देकर आ चुके हैं, पहले का किस तरह का रहा करता था, तब्दीली जो आई है उस पर थोड़ा सा जानेंगे। विवेक सर ने बिल्कुल सही बात कही कि अब मशीनीकरण हो गया, अब उसके अंदर उतना वो नहीं जुड़ पाता, आत्मीयता नहीं, लगता नहीं कि वोट दे दिया, मतलब ऐसा लगता है कि जाके एक औपचारिक काम करना, एक बटन दबाना है, लाइट ऑन करनी है और वापिस आ जाना है, बस इससे ज्यादा नहीं है। उस स्टैम्प का और उस मतपत्र के बीच में जो एक आत्मीयता जुड़ती थी उसका आदमी की, वो साफ झलकती थी। आदमी वोट देने के बाद एक बड़े गर्व के साथ में बाहर आता था, और बताते तो उस वक्त भी नहीं थे, और हम लोग तो छात्र राजनीति से चूंकि बहुत ज्यादा पहले जुड़ गए थे, और बाद में मेरा वोट आया है, तो मेरे लिए तो वोट का बहुत महत्व था, और मैं बहुत मतलब ऐसा था कि कब मेरा नंबर आएगा। उस वक्त लंबी लंबी लाइनें उस वक्त भी लगा करती थी, क्योंकि काफी टाइम बाद नंबर आता था, और मैं तो उस दौर में मुझे तो दो बार तीन बार ये मौका मिला कि मतपत्र की गिनती, अच्छा, वो स्वयं मैंने की है वहां पर, गिनती बाकायदा एक एक के वो बना करके की जाती थी, हालांकि वो प्रक्रिया लंबी थी, खर्चीली थी, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक लोकतंत्र का एक पर्व था, एक जिसको भले ही हम आज पर्व कह रहे हैं, जो उत्साह है उसमें एक लगाव था, उसमें प्रेम था, आत्मीयता शब्द बहुत सही आपने कहा वो था, वो अब उसका तो अभाव हो गया, अब तो ठीक है बस वोट डाल करके आ जाएंगे जी। तो बाकी बदला हमने महसूस किया। अंत में एक और सवाल मेरे जहन में, विवेक जी से जाना चाहूंगी, कैदियों की हम बात कर लें, उनको इलेक्शन में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्या इन्हें वोट देने के अधिकार नहीं है का, अगर कुछ इसमें हो सकता है कि संविधान में कुछ बदलाव करके अगर कैदी भी वोट डालना चाहे, या कुछ हो गए हैं जी, कि संविधान एक अलग चीज है, बिल्कुल, और ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये अलग चीज है जी जी। इसमें 65(2) में साफ ही मना किया हुआ है, इसे कानूनी अधिकार माना हुआ है, इस संबंध में गए भी हैं अनुकूल वाले जजमेंट में, तो कोर्ट ने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कानूनी अधिकार ही आपका फंडामेंटल राइट या संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, पहली चीज तो ये। अब जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 का है उसमें कोई संशोधन करके सरकार ये करे तो कैदियों को वास्तव में आजकल 24-25 हज़ार कैदी हमारे राजस्थान में ही है, तो इनको फायदा मिल सकता है, वो भी अपना चयन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति केवल एक ही दिन के अंदर गया और उसका वो अधिकार ही खत्म हो जाए,
बेचारा दिन बंदियों पे भी लागू है या सजा केवल तीन तरह के दो बंदी पे लागू नहीं, एनएसए पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा बंधन पे नहीं, बाकी सब पे लागू है। अच्छा, चाहे वो 24 घंटे के लिए अंदर गया हो चाहे शांति भंग में अंदर गया हो, वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं वोट नहीं दे पाएगा। चलिए, आज वाकई आप यहाँ पर आए और हमने कल ही वोट दिया है, उसके बाद अपने वोट के महत्व को हम जानते हैं। विवेक जी, आप यहाँ पे आए और इतनी सारी बातें आज हमने एग्जिट पोल से लेके और वोट देने तक आपने हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। 5 साल में राज्य का कितना हुआ विकास? क्या शहर की जनता सरकार से खुश है या है उदास? अपने वादों पर क्या खरी उतरी है सरकार, या फिर जनता करेगी अब पलटवार? निष्पक्ष होकर रखिए अपनी बात। एसटीएन है आपके साथ। आगामी चुनाव पर जल्द ही देखिए एसटीएन चर्चा लाइव रेडियंट लाइव के चैनल नंबर 111 पर और पुनर्प्रसारण एसटीएन टुडे के चैनल नंबर 251 पर।